हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उदित, आई एम एन इंटीरियर डिज़ाइनर। आपका स्वागत है मेरे नए शो में जिसका नाम है प्रोजेक्ट स्टोरीज। तो ये प्रोजेक्ट स्टोरीज का एपिसोड 1 है जो आप देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डिज़ाइनर्स की लाइफ बड़ी कूल होती है। हाँ, होती है, हम डिज़ाइनर्स की लाइफ बड़ी कूल होती है, लेकिन बहुत मुश्किल होती है। किसी भी डिज़ाइन को डिज़ाइन करना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जिसके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो है एक जिम प्रोजेक्ट। फर्स्ट टाइम जब हमने स्पेस देखा था तो हमें लग नहीं रहा था कि इसमें ऐसा इंटीरियर हो सकता है, ऐसा जिम बन सकता है। फिर जब हमने आशा ने इंटीरियर को हायर किया तो हमने सोचा नहीं था कि ऐसा इंटीरियर बन जाएगा, बट धीरे धीरे जब काम चलता गया तो उसके बाद जब ये निकल के आया तो हमें खुद विश्वास नहीं हुआ कि इतना अच्छा इंटीरियर कैसे बना दिया इतने कम स्पेस में। वैसे मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया था, बट द मोमेंट व्हेन आई एंटर हियर आई गॉट रियली यू नो पॉजिटिव वाइब्स एंड इट एक्चुअली मैटर्स। जो भी इंटीरियर है इट इज वेरी कैची एंड द वेरी बेस्ट थिंग इज जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ स्पेस यूज हुआ है दिस इज द बेस्ट पार्ट। हमने सोचा भी नहीं था कि इतने कम बजट में इतना अच्छा कुछ मिल सकता है, जो हमने सोचा था उससे भी बेटर हुआ। थैंक यू आशियाना इंटीरियर। लेकिन मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो प्लॉट है, जो प्रॉपर्टी साइज है वो किस तरह का मिले। जैसे ही मैं प्रॉपर्टी पे पहुंचा मेरा देख के दिमाग ख़राब हुआ कि यार, मैंने क्लाइंट को बोला हाँ ओके इसके मैं जिम आपका बना दूंगा, लेकिन जो शेप प्लॉट की थी, जो उस प्रॉपर्टी की जो शेप थी वो देख के मैं हैरान हो गया किस तरह में क्या चीज़ कर। तो सबसे पहले जब हम डिज़ाइन करते हैं सबसे पहले हम स्पेस प्लानिंग करते कि कहाँ पर क्या चीज़ें रखनी चाहिए। मैंने वही किया, मैंने उस ऊट पटांग से साइज के अंदर जो इक्विपमेंट्स होते हैं जो क्लाइंट को लेकर आने वाले थे तो मैंने उनका साइज लिया क्लाइंट से और क्या क्या चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने क्लाइंट से पूछा कि वो क्या क्या चीज़ें चाहते हैं। हाँ, मैंने इसमें थोड़ी मेहनत करी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन अब मैंने इसमें काम किया, एक ऐसे पॉइंट तक पहुँचे कि हाँ चलो ठीक है हो गया, ऑलमोस्ट डन मैंने कर दिया। ठीक है, ये आपकी प्लानिंग फाइनल हो गई। किसी तरह उस प्लॉट के अंदर मैंने सब कुछ एडजस्ट कर दिया। क्लाइंट ने जो मुझे बताया था, जो साइज बताया था वो से डबल साइज की चीज़ें खरीद लाए। इतने छोटा सा मुझे उन्होंने बजट दे दिया क्योंकि सारा तो वो उन्होंने खर्च कर दिया था जिम के सामान लाने में, कुछ उनकी मशीनें डंबल्स ये सब कुछ, इतने क्वांटिटी और क्वालिटी वो बढ़ाए जा रहे हैं और स्पेस वही मेरे पास, बजट मेरे पास वही। आशियाना इंटीरियर्स की ये बहुत अच्छी खासी टीम है, बहुत बड़ी टीम है हमारी। एक भीम जैसे, जैसे डीनो जेम्स ने अपने गाने में बोला है कि भीम सी बड़ी टीम है, तो वो वाली लाइनें मेरे दिमाग में घूम रही है। मैं वहाँ से उठा, मैं गया और इस पर मैंने देखा कि ये प्रोजेक्ट पे अगर मैं एनालाइज किया कि अगर मैं इस पर अपनी मैन पावर लगाता हूँ तो और मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। मैंने सारी मैन पावर को हटा दिया, मैंने बोला ये प्रोजेक्ट मैं करूँगा खुद। लिटरली मैं साइट पे गया हूँ, मैंने कॉन्सेप्ट रेडी किया है, मैंने बोला क्लाइंट को कि सर मैं अपने हाथ से करूँगा, और मैं गया साइट को, लिटरली मैंने ब्रश उठाया और मैं अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वहीं पे मैंने लैपटॉप रखा, डिज़ाइनिंग निकाली वहीं पे, साथ साथ में मैं उसको कर रहा हूँ। तो हमने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और हम इसको जो प्रोजेक्ट करते थे पूरा दिन का टाइम में अपना साइट विजिट्स अपना न्यू मीटिंग्स में था, लेकिन रात का टाइम जो था नाइट ड्रेस पहना, लोअर टी शर्ट पहना और हम निकल गए। लास्ट मोमेंट था जब उन्होंने मुझे की बताया कि हमारी जिम का नाम है बॉडी आर्मर जिम, इसकी ब्रांडिंग करनी देनी है। तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि ठीक है अब मैं क्या करूँ, तो जो ब्रांडिंग का आइडिया मुझे मिला वो मैंने उस बोर्ड को बनाया, उसमें हमने पूरा नाम वाम लिखा और उस चीज़ को बनाया, तो वो चीज़ें बहुत काफ़ी इम्प्रेसिव थी और क्लाइंट जो था वो एकदम ऐसे हो गया यार यूरी सीरियसली मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये ऐसा निकल के आएगा। और वही चीज़ है कि हम पैसे, अगर मैं अगर बात करूँ एक अर्निंग की, तो अर्निंग से ज़्यादा जो हमें सेटिस्फेक्शन देती है वो चीज़ें वो यही है कि जब क्लाइंट और लोग हमें कहते हैं कि सर आपने जो चीज़ बनाई है बेस्ट चीज़ है। तो मेरा ये प्रोजेक्ट स्टोरी बनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को पता चले कि जो हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है जितनी आप लोगों को दिखाई देती है, बहुत मुश्किल होती है डिज़ाइनर्स की लाइफ में। जो डिज़ाइनर्स इसको देख रहे हैं वो शायद समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये था प्रोजेक्ट स्टोरी का एपिसोड 1। अगर आपको
ऐसा भी एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा, अगर आपको बेकार लगा तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या चीज़ें बेकार लगी, ताकि मैं इस वीडियो को भी सुधार पाऊँ और मैं अपने आप को भी इम्प्रूव कर पाऊँ, ताकि आपको आगे मैं और अच्छी वीडियोज़ दे सकूँ। थैंक यू सो मच।